भारत माँ तेरी मिट्टी की आजी लाज बचानी होगी हो, भारत माँ तेरी मिट्टी की आजी लाज बचानी होगी हो। मैं तेरे लिए कुर्बान हूँ माँ तेरी शान बढ़ानी होगी हो। नमन करूँ भारत माता तुझे नमन करूँ, रूस फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका चीन आग बढ़ गए हो। दो आने के देश नहीं ये म्हारे सिर पर चढ़ गए हो, दो आने के देश नहीं ये म्हारे सिर पर चढ़ गए हो। विट्टो पावर भारत के माँ, विट्टो पावर भारत के माँ हमने ल्याणी होगी हो। मैं तेरे लिए कुर्बान हूँ माँ तेरी शान बढ़ानी होगी हो। नमन करूँ भारत माता तुझे नमन करूँ, सीमा पर जवान शहीद और भीतर मरे किसान तेरा, दर दर की ओ ठोकर खाता भारत में इंसान तेरा, दर दर की ओ ठोकर खाता भारत में इंसान तेरा। लेकल की अवतार मुसीबत दूर भगानी होगी हो। मैं तेरे लिए कुर्बान हूँ माँ तेरी शान बढ़ानी होगी हो। नमन करूँ भारत माता तुझे नमन करूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहाँ जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज 16 में। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं रोज़ किसी न किसी ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाता हूं जिसने अपने जो जीवन का स्टार्टिंग की थी वो जीरो लेवल से, जो माइनस में होता है, बहुत नीचे वाले स्तर से स्टार्टिंग करके और अपने जीवन को ऐसा मुकाम दिया है कि उन्होंने अपने गाँव का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और अपने शहर का, अपने महेंद्रगढ़ शहर का नाम रोशन करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसे व्यक्तित्व से जिसने छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा एक अलग सा कोर्स करके यहां पे आए और आज इस लेवल पे हैं, जो बहुत ही अच्छा अपना जो शहर है उसका नाम कर रहे हैं। तो मैं मिलवाता हूं भाई साहब से, नाम है सोमवीर लावनिया जी। अब हम इनसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे, इनके जीवन की जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ये खुद बताएं इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और अपनी पहचान बनाई है। तो सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। धन्यवाद, मैं इंडिया न्यूज 16 के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। सर, ये बताएं, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से आपका नाम लोग जानते हैं सोमवीर लावनिया, तो ये लावनिया आपका कोई गोत्र है या किस प्रकार से, किसने लगाया, आपने खुद किया या घरवालों ने दिया, किसी ने सरनेम दिया, क्या कुछ इसका प्रोसीजर था? देखिए, लावन मेरा गाँव का नाम है। मैं अपने नाम के पीछे अपना गाँव का नाम, क्योंकि मेरी मातृभूमि है लावन गांव, तो मैं उसका नाम के अपने नाम के बाद में गांव का नाम लगाना पसंद करता हूं, तो मेरा लावनिया गांव है। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि मेरा लावन गांव है, और आपने ये क्या सोच के लगाया कि मैं अपने गांव का नाम अपने नाम के सामने लगाऊंगा, तो उससे क्या कुछ अलग होगा, क्या आपकी मतलब सोच क्या थी उसके पीछे? इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि मेरा गाँव, जैसे मैं काम करूँगा, जो भी काम करूँगा, तो मेरे गांव का नाम रोशन होगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होगा, इसलिए मैंने अपना गांव का नाम लगाना बेहतर समझा। बहुत बढ़िया, मतलब आप चाहते हो हमारे गांव के साथ साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है उसका विकास हो। बिल्कुल जी, मेरी स्टार्ट से यही सोच रही है कि मेरा गांव का नाम और मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, तो इसका नाम काफ़ी दिन से दबा पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ ये ऊपर उठ के महेंद्रगढ़ जिला और हरियाणा में छाए हर क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो महेंद्रगढ़ को आप उठाने की बात कर रहे हो एक बहुत बड़ा कदम है, इस पर भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपने अपने स्तर से जो काम स्टार्ट किया और आज आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि छोटी उम्र में किसी गलत संगति में चले जाते हैं, तो आपने क्या सोच के आप इस लाइन में आए, क्या आप काम करते हो, किस प्रकार से करते हो, जो आपके जो चाहने वाले दर्शक आपको चाहते हैं, आपके सॉन्ग्स देखते हैं, आपकी जो एडिटिंग वगैरह देखते हैं, उनको बताएं कि आपने क्यों इस फील्ड को चुना, कैसे आपने स्टार्टिंग की, परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि आपने स्टार्टिंग कैसे की, आपके मन में ये विचार कैसे आया?
देखिए, मेरा स्टार्ट से इंटरेस्ट रहा है कि मैं एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता था। फिल्म मेकर इसलिए क्योंकि मैं मेरे जो अपना जो ज़िला है महेंद्रगढ़, उसमें कोई आज तक कोई ऐसा फिल्म मेकर नहीं बन पाया है जो अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हो और अपने क्षेत्र के जो भी टूरिज्म प्लेस हैं या फिर जो भी ऐतिहासिक धरोहर है ज़िले की, उनको एक बड़े लेवल पर एक फ़िल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से पर्दे के ऊपर लेके आए। कोई ऐसा शख्स मुझे आज तक नज़र नहीं आया महेंद्रगढ़ ज़िले में। तब से मैंने ये चीज़ ठान रखी है बचपन से, तो मैंने सोचा इसके लिए मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मैंने संपादकीय विभाग से डायरेक्शन में मैंने कोर्स किया वहाँ से। तो कोर्स करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि अपने ज़िले के लिए मैं काम करूँ। मतलब आपका मेन फोकस है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है उसको ऊपर उठाना है। बिल्कुल, मेरा मेन फोकस यही है, क्योंकि अपने ज़िले के कण कण को फिल्म के माध्यम से देश विदेश में प्रदर्शित करना, दिखाना फिल्म के माध्यम से। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आपका जो स्टार्टिंग से ही ये शौक था कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, तो आपने जब घर वालों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने आपका सहयोग दिया या विरोध किया? क्या कहा कि बेटा इसमें कोई स्कोप है या फील्ड में कैसे क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, घर वालों ने इसमें मेरा पूरा सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया घर वालों ने। जब से मेरा एडमिशन करवाया और बोले कि बेटा तू अपने एरिया का नाम रोशन करना चाहता है तो हम तेरे साथ हैं और हम तेरी पूरी मदद करेंगे इसमें। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा आपके साथ रहा, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। घर वाले अगर सपोर्ट करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, आपने प्लस टू पास की, फिर आप कॉलेज में गए, तो वहाँ पे क्या कुछ अलग देखने को मिला? बाकी फील्ड्स तो सेम होती हैं, आप कुछ अलग करने गए थे, तो वहाँ के आपने किन चीज़ों का सामना किया? देखिए, प्लस टू करने के बाद मैं एक साल मैंने ग्रेजुएशन किया। प्लस टू के बाद मैंने कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं किया, एक साल ही मैं जा पाया। उसके बाद मेरा जो नंबर है वो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो जहाँ पे मैं एडिटिंग विभाग से वो करना चाहता था फिल्म की डिग्री, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं बीए को बीच में छोड़ के ही चला गया, क्योंकि मुझे मेरा जुनून था कि अपने क्षेत्र के लिए मुझे काम करना है आगे जाके। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने डिग्री प्राप्त की और मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैंने मुहिम स्टार्ट की है। तो ये बताएं, आपने बता रहे कि मुहिम स्टार्ट की, रोहतक आप पढ़ के आए, डिग्री आपने हासिल की, तो डिग्री हासिल किए हुए या वो पढ़ाई करिए हुए आज आपको कितना समय हो गया है? मैंने 2019 के एंड में मेरी डिग्री हुई है, तो अभी 2020 में मैंने काम स्टार्ट किया है अपना। अभी कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लेवल पर काम नहीं कर पाया, हालांकि मैंने अपने लेवल से, छोटे लेवल से स्टार्ट किया है काम। अपने गांव के कुछ से बाबा के सॉन्ग किए हैं, उसके बाद महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक सॉन्ग किया है जो आज तक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1966 में बना था। उसके बाद से महेंद्रगढ़ ज़िले की हालत बहुत ख़राब है। मैंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सॉन्ग किया। मैंने अरदास ना किसी नेता से की, ना किसी और किसी राजनीति पार्टी से की, मैंने भारत माँ से एक अरदास की है कि भारत माँ मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा कर। मैंने उसके लिए एक सॉन्ग किया है, मैं कुछ पंक्तियाँ भी उस सॉन्ग के सुनाना चाहता हूँ और मैंने वो सॉन्ग रिलीज भी कर दिया है, महेंद्रगढ़ ज़िले का हक सॉन्ग का नाम है जी। तो वहाँ से मेरी मुहिम की स्टार्ट हुई है, तो मैं दो पंक्तियाँ उस लाइन की सुनाना चाहता हूँ। अरे दास मेरी से भारत माता एक काम यो करा दे, महेंद्रगढ़ जिले ने माता स्वर्ग बरगा चमका दे, महेंद्रगढ़ जिले ने माता स्वर्ग सा चमका दे, ईसा कोट के करा जिले ने सब नीचा नाम से, सारी दुनिया में महेंद्रगढ़ का सबसे बढ़िया काम से, हरी भूमि की श्यान महेंद्रगढ़ का विकास करा दे, महेंद्रगढ़ जिले ने माता स्वर्ग बरगा चमका दे। इस टाइप से मैंने एक सॉन्ग किया है जो रिलीज हो चुका है। कब रिलीज किया था आपने ये सॉन्ग जी? ये सॉन्ग मैंने अभी लगभग 10 से 15 दिन हुए हैं, तो शिवम फिल्मिस्तान मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उसके माध्यम से इस सॉन्ग को रिलीज किया है। दोस्तों, शिवम फिल्मिस्तान जो यूट्यूब चैनल भाई साहब का है, सोमवीर लावनिया जी का,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार ज़रूर देखें अगर आप महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। और महेंद्रगढ़ से बिलोंग नहीं भी करते तो महेंद्रगढ़ के हक के लिए उस सॉन्ग को एक बार ज़रूर सुने और कमेंट करके बताएं कि महेंद्रगढ़ को अपना हक मिलना चाहिए या नहीं। तो सर ये बताएं, जब आप इस मुहिम को स्टार्ट कर रहे हो महेंद्रगढ़ के बारे में, तो अब आपने सॉन्ग बनाया महेंद्रगढ़ पे, उससे पहले आप ये कह रहे हो कि मैंने गांव के लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले जो आप बता किस सॉन्ग वगैरह क्या कुछ गाया था आपने सबसे पहले? देखिए, कोई भी कलाकार होता है उसका एक दायित्व होता है, वो एक छोटे लेवल से उठता है और एक बड़े लेवल तक जाता है। उसके बीच स्टार्ट में मैंने अपने गांव से स्टार्ट किया, मैंने गांव में बाबा मेहरवाला है उसका सॉन्ग किया। उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी धाम हैं मैंने उनका, बाबा केसरिया मांडला वाले का मैंने एक सॉन्ग किया है 2019 में, और उसके बाद अभी 2020 में बाबा जयराम दास का मैंने एक सॉन्ग किया। तो इस कड़ी में मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ और एक जीरो लेवल से उठ के मैं अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी धार्मिक स्थल हैं या फिर टूरिज्म स्थल हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री माध्यम से मैं जो कुछ कर रहा हूँ, तो इस कड़ी में मैं पहल किया है। मैंने जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया है 2019 में, उसके बाद से मैं इस कड़ी में लगातार काम कर रहा हूँ और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का काम करके स्टेट लेवल की तरफ अग्रसर होने का मेरा इरादा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट के काम सारे करोगे, डिस्ट्रिक्ट की जो धरोहर है उनको दर्शकों तक पहुंचाओगे, फिर आप स्टेट लेवल तक पहुंचोगे। सर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने शुरुआत की तब क्या सोचा था कि क्या बनूंगा इस फील्ड में, और आज आप इस लेवल पे हो तो आज क्या सोच रहे हो कि इस काम को करते करते एक दिन मैं उस लेवल को हासिल करूँगा? बिल्कुल जी, मैंने स्टार्ट में यही सोचा था कि एक जीरो लेवल से मैंने कदम उठा के पैड़ी पैड़ी चढ़ के मैंने एक बड़े लेवल पर अग्रसर होना है। तो देखिए, उस कड़ी में मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। एक छोटे लेवल से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं जो काम कर रहा हूँ, इस कड़ी में मैं आगे चलने का मेरा इरादा है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शॉर्ट फिल्म के माध्यम से धीरे धीरे छोटी फिल्म बना के छोटे लेवल की, तो बड़े लेवल तक धीरे धीरे आगे जाना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक, स्टेट लेवल से देश लेवल तक का मुझे काम करना है। जैसे आप बता रहे हो कि आपको अपने स्टेट से और अपना जो राज्य है उससे अपने देश को पूरे को नाम रोशन करना है, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अब आप महेंद्रगढ़ के बारे में अपने सॉन्ग भी बताया, उसके हक के लिए बताया। अब कुछ ही दिन पहले एक नया मुद्दा आया था कि जो हमारा महेंद्रगढ़ है उसके अंदर नेशनल हाईवे बताया गया था, अब उसको स्टेट हाईवे बनाया दिया गया है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा महेंद्रगढ़ जिला 1966 में बना, तो सरकार का दायित्व तो ये बनता है कि जो स्टार्ट में 7 जिले थे वो आज कहाँ पे हैं और महेंद्रगढ़ की स्थिति कहाँ पे है। बहुत बढ़िया बात। यहाँ तक कि NH-8 की बात है, 148B की बात है, तो वो सरकार ने, मैं यही कहूँगा कि सरकार ने सिर्फ धोखा किया है महेंद्रगढ़ की जनता के साथ। क्योंकि 7 जिले जब हरियाणा में बने थे, जो भी थे हरियाणा, कुरुक्षेत्र, हिसार, जो भी अन्य ज़िले थे, वो आज कहाँ पे हैं, उनका लेवल एक बहुत बड़े लेवल तक है। सरकार ने ये साफ साफ तरीके से मतलब एक दर्शा दिया है कि महेंद्रगढ़ ज़िले के साथ हमेशा हम धोखा ही करेंगे। क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस रोड को बनाया जा सकता था, ये राजनीतिक कारणों से जो भी हुए, लेकिन सरकार ने बहुत ही गलत तरीके से ये फैसला लिया है कि इसको स्टेट लेवल का दर्जा दिया जाए। इसके बाद बने भी ना बने, इसका कोई आगे का कोई भविष्य नहीं है फिलहाल। बहुत बढ़िया आपने बताया, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि महेंद्रगढ़ के बारे में आपने बताया कि सरकार इस पर बहुत कम ध्यान दे रही है, जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, कहा जाए तो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं। जब हरियाणा पंजाब में मिला हुआ था तब भी एक डिस्ट्रिक्ट था ये, और आज भी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि कहा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ का नाम चेंज करके नारनौल किया जाएगा। इस विषय पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारा रग रग से खून बह निकलेगा, ये मेरी दिल से दुआ है, सरकार ऐसा अनहोनी हरकत ना करे। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला स्टार्ट का ज़िला है, इसका विकास करें, ना कि इसको तोड़ मरोड़ करके ज़िले के भाईचारे को बिगाड़ा जाए। क्योंकि महेंद्रगढ़ और नारनौल सदा से ही एक हैं और एक ही रहने चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र का विकास हो, महेंद्रगढ़ जिले का विकास हो, तो नारनौल को अलग ज़िला बना के महेंद्रगढ़ का अस्तित्व सामने लेकर आया जाए।
बहुत बढ़िया आपने कहा कि चाहे महेंद्रगढ़ को रहने दो वैसे ही, चाहे नारनौल को जिला बना दो, बहुत बढ़िया। सर ये बताएं, अब काफ़ी समय से कोरोना चला हुआ था और लोगों के पास आर्थिक स्थिति भी लोगों की सही नहीं है, तो आपके पास कोई, जैसे कोई बच्चा आ गया नया सिंगर, तो किसी को सॉन्ग करवाना हो, किसी को डायरेक्शन करवानी हो, किसी को कैमरामैन की ज़रूरत हो, आप एडिटिंग करते हो बहुत अच्छी, तो उसकी ज़रूरत हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न हो, तो उसके लिए आप कुछ करते हो जैसे? जी प्रदीप, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसके बारे में भी बोलना चाहता था, क्योंकि मैंने कोर्स किया है अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी बच्चे हैं जो फिल्म के इंटरेस्टिंग है या फिर इस लाइन में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, उसके लिए एडिटिंग, कैमरा, डायरेक्शन का पूरा मौका दिया जाएगा, और उसको निखारने के लिए शिवम फिल्मिस्तान पूरा तहदिल से उस बंदे का स्वागत करेगा और उसको ऊपर उठाने के लिए उसकी फुल सहायता करेगा। जो भी इस मुहिम में शामिल होना चाहता है शॉर्ट फिल्म के माध्यम से या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो महेंद्रगढ़ के आसपास के जो भी हैं जो काम करना चाहते हैं या उनका घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको शिवम फिल्मिस्तान पूरी मदद करेगा और उनको बड़े लेवल तक ले जाने के लिए पूरी सहायता करेगा। बहुत बढ़िया। जो भी नए कलाकार जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या कोई सपोर्ट नहीं है, ये सोमवीर लावण्या जी उनका पूरा सपोर्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और ये जो आगे डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म बनाएंगे उनमें बहुत अच्छा उनको किरदार देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये बताएं, एक मेरा सवाल होता है सभी से जो जिससे मैं बात करता हूं, थोड़ा पर्सनल है, तो मैं पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो परिवार हमारा होता है वो हमारा साथ देता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक दोस्त होता है हमारा, उसके हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, आपके तरीके से, आपके जीवन व्यवहार से आप उसको कितना मानते हो कि दोस्त की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, दोस्त की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्त सपोर्ट कर सकता है हर क्षेत्र में, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है, और घर वाले जब थोड़ा सा साथ छोड़ सकते हैं तो दोस्त की भूमिका बहुत अहम हो जाती है उसमें। तो दोस्त हर तरफ से एक भाई का जो दायित्व है वो अदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्त हमें बनाने चाहिए। बिल्कुल, दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, बुरी संगत वालों को नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छे हमें संस्कार दें या हमारा सपोर्ट करें, वैसे ही दोस्त हमें बनाने चाहिए। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि जिस प्रकार से हमें दोस्त बनाने चाहिए, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको हमें दूर कर देना चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, जिससे हमारा भी विकास होगा और हमारे परिवार का भी विकास होगा। तो सर ये बताएं, जिस प्रकार से आप सॉन्ग्स वगैरह करते रहते हो, आपकी जो आसपास जो मंदिर हैं या जो भी श्रद्धा की जगह है उसके बारे में आप सॉन्ग्स करते रहते हो, मतलब आपका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो आप भजन भी बनाते रहते हो, तो इस कड़ी में आप आगे क्या कुछ कर रहे हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रदीप जी, मैं स्टार्ट लेवल मैंने भक्ति से किया है, भक्ति के बाद मैं देशभक्ति पर जाना चाहता हूँ, और देशभक्ति के बाद सॉन्ग के माध्यम से मैं प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भक्ति किया है और देशभक्ति मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है और बहुत ही अच्छे लेवल का सॉन्ग है जिसमें अच्छी लाइनें प्रदर्शित की हैं, तो वो कुछ दो लाइनें भी मैं आप दर्शकों को सुनाना चाहूँगा कि मेरा आने वाला प्रोजेक्ट का एक सॉन्ग है देशभक्ति। भारत माँ तेरी मिट्टी की आज लाज बचानी होगी हो, भारत माँ तेरी मिट्टी की आज लाज बचानी होगी हो, मैं तेरे लिए कुर्बान हूँ माँ तेरी श्यान भडानी होगी हो, नमन करूँ भारत माता तुझे नमन करूँ, रूस फ्रांस ब्रिटेन अमेरिका चीन याग बढ़ गए हो, दो आने के देश नहीं ये म्हारे सिर पर चढ़ गए हो, दो आने के देश नहीं ये म्हारे सिर पर चढ़ गए हो, विट्टो पावर भारत के माँ, विट्टो पावर भारत के माँ, हमने ल्याणी होगी हो, मैं तेरे लिए कुर्बान हूँ माँ तेरी श्यान भडानी होगी हो, नमन करूँ भारत माता तुझे नमन करूँ, सीमा पर जवान शहीद और भीतर मरे किसान तेरा,
दर दर की ओ ठोकर खाता, भारत में इंसान तेरा। दर दर की ओ ठोकर खाता, भारत में इंसान तेरा। लेकल की अवतार मुसीबत, दूर भगानी होगी हो। मैं तेरे लिए कुर्बान हूँ माँ, तेरी शान बढ़ानी होगी हो। नमन करूँ भारत माता, तुझे नमन करूँ। तो ये प्रकार से आपने सॉन्ग सुनाया, मतलब देशभक्ति के लिए आप पूरे तरीके से समर्पित हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आदमी होता है उसका एक टारगेट होता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। तो मैंने स्टार्ट भक्ति से किया, उसके बाद मैं देश के लिए भक्ति अच्छे सॉन्ग गाना चाहता हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से देश के लिए भी मुझे मुहिम मैंने सोच रखी है, काफ़ी प्रोजेक्ट करने हैं। तो उसके बाद मैं एक स्टेप लेवल पीढ़ी दर पीढ़ी मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सॉन्ग आप जो बता रहे हो, ये भक्ति का सॉन्ग भारत माँ के समर्पित है, ये भी अपने यूट्यूब चैनल पे आएगा? हाँ बिल्कुल, ये उसी शिवम फिल्मिस्तान यूट्यूब चैनल पे आएगा। ये 15 अगस्त के आसपास हम रिलीज करने की इसको सोच रहे हैं। इसमें अच्छे तरीके से दिखाया गया है, एक किसान की हालत को दिखाया गया है, और भारत देश को विट्टो पावर नहीं मिल रही, जैसे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, इन देशों को विट्टो पावर मिल रही है। तो इन बातों पर मुख्य रूप से प्रदर्शित इन पे विचार किया गया है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि देशभक्ति के लिए कितने समर्पित हैं, और ये जो सॉन्ग आएगा देशभक्ति को समर्पित, ये इन्हीं के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप महेंद्रगढ़ वाला सॉन्ग देखेंगे, तो उसको देखना भी न भूलें। और अपना जो देश है उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो देखते रहिए इसी प्रकार से।